लीडर पहली बात याद रखें, निकालता नहीं है किसी को। ये लीडरशिप का पहला रूल है। जिस लीडर ने किसी को टीम से निकाल दिया वो वीक लीडर है। लीडर लोगों को मैनेज करता है हमेशा, ठीक है। किसी को ज्यादा स्टेटस देता है, किसी को कम स्टेटस, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो मैनेज कर रहा होता है। वो वीक टीचर है जो बच्चे को क्लास से निकाल देता है क्योंकि वो बच्चा उससे हैंडल नहीं हो रहा, उसे कहता है गेट आउट, गेट लॉस्ट, तो वो उसका काम आसान हो जाता है। असल टीचर और असल लीडरशिप तो ये है कि आप उसी राउडी बच्चे को आगे बिठा के पढ़ाते भी हो आप और वो पढ़ता भी। और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप हर बंदे की नीड्स देखते हुए उसको ट्रीट करो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी आर्ट होती है और यही लीडरशिप है। सब हर स्टूडेंट को उसके मुताबिक डील किया जाता है। जो स्टबर्न लोग हैं उनको डील करने का अलग तरीका, जो बहुत इमोशनल लोग हैं आपकी टीम में, बहुत सेंसिटिव लोग हैं, उनको डील करने का थोड़ा और तरीका है, ठीक है ना। आपने उनके सामने क्या बात करनी है, कैसे करनी है, यही तो असल में बात है। तो हजरत उमर आप देखें कि क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी हजरत उमर की, एज इफ ही न्यू के किस बंदे को मैंने कहाँ लगाना। उनके पास रिप्लेसमेंट्स होती थी, गवर्नर्स वो किस तरह से चूज करते थे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन, बींग सॉफ्ट एंड टेंडर एंड ब्रेव एंड करेजियस। सॉफ्ट एंड टेंडर फॉर होम, फॉर योर फ्लॉक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा सूरह आले इमरान वर्स 159 कि ए नबी, अगर आप सख्त होते, अगर आप इनसे रूडली बात करते तो ये आपके पास ना बैठते, चूंकि आप सॉफ्ट हैं, आप टेंडर हैं, तो ये आपके पास बैठते। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, एम्पथी फॉर योर टीम, उनके बारे में सोचना, ठीक है ना, अपने उनके शूज में आकर सोचना, उनकी रेपिटेटिव मिस्टेक्स माफ करते, और इवन अगर उसे को नुकसान हो जाए फिर भी उन्हें माफ करता है। दिस मेक्स हिम वेरी टॉलरेंट, और टॉलरेंस लीडरशिप का तकाजा है। जो बंदा इरिटेटेड जल्दी हो जाता है, ग्रंपी होता है, याद रखें वो लीडर कभी नहीं बन सकता। अगर आप किसी फुटबॉल टीम को लीड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सॉफ्ट, जेंटल और टॉलरेंट आपको होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैंने अटैक किससे कराना है, मैंने चेंजेस क्या करनी है, वगैरह वगैरह। लीडर क्रेडिट टीम को देता है और जब भी लॉस होता है तो उसका ब्लेम अपने ऊपर लेता है। अगर कोई बंदा क्रेडिट खुद ले रहा है और ब्लेम टीम को दे रहा है तो वो तो वर्स्ट लीडर है। इसलिए जब भी आप लीडरशिप पोजीशन में है तो याद रखें, क्रेडिट गोज टू द टीम एंड व्हाटएवर हैपेंड दैट वाज ब्लेम वर्दी, वो आपका ब्लेम, वो आपने खुद लेना और आपने उसको ठीक करना।